हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो है सिद्धांत के बारे में कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हमेशा ही आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 35 ऐसे क्वेश्चन, 35 जो है मैंने ये सिद्धांत लिए हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं। टैट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? देखिए टैट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, तो थीमेटिक एप्रिसिपेशन टेस्ट, एप्रिसिपेशन टेस्ट, तो इसका हिंदी में होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था? ये दिया था मुरे एंड मार्गन ने। और इसमें कार्डों की संख्या भी पूछी जाती है कि कुल कितने कार्ड होते हैं, तो ये होते हैं 31। फिर आता है सीएटी, तो सीएटी का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन एप्रिसिपेशन टेस्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था ये दिया था लियोपोल्ड बेलोक ने। और इसमें कार्डों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 10। उसके बाद है आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट, इसमें इसको हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। किसने दिया था? ये दिया था हरमन रोशा ने। और कितने कार्ड होते हैं इसमें? होते हैं कुल 10 कार्ड। उसके बाद है मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम था सिगमंड फ्रायड। उसके बाद है, जैसे कई बार पेपर में ऐसा आता है क्वेश्चन की आपको सिद्धांत दे देगा और पूछेगा कि ये किस चीज़ का सिद्धांत है, बुद्धि से, विकास से, अधिगम से, किससे। तो यहाँ पे 5 से लेकर 14 तक जो भी सिद्धांत है वो सब बुद्धि के सिद्धांत है। चलिए वीडियो को देखते हैं। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीने ने। द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्पीयर मैन ने। उसके बाद है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थर्स्टन ने। अगला है 8वां नंबर, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयर मैन ने। उसके बाद है 10वां नंबर, त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्टैनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का सिद्धांत क्या है? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। देखिए त्रिकारक और त्रिआयामी और त्रितंत्र, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयर मैन ने, त्रितंत्र दिया था स्टैनबर्ग ने, और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। फिर अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। उसके बाद है पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था वर्ट एवं बर्नर ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ये जो इतने 14 तक हैं, 5 से लेकर 14 तक, ये सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कौन सा सिद्धांत है, तो आप बुद्धि पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है ड्राई मैन परीक्षण किसने दिया? तो ड्राई मैन परीक्षण दिया था गुडेनफ ने। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया था जलोटा ने। योजना विधि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जॉन डेवी और किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियम किसने दिए? तो सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। उसके बाद अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कोहलर साहब ने। उसके बाद है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये है विलियम वुंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ। उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आर्मस्ट्रांग ने। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था रॉबर्ट गेने ने। और कितने पद थे इसमें? 8। अगला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था गुथरी ने। उसके बाद है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने बताया? बताया जॉन एडम्स ने। और इसमें दो मुख कौन कौन से हैं इसमें? इसमें शिक्षक और छात्र। उसके बाद है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने बताया? ये बताया था जॉन डेवी ने। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। उसके बाद है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे सिद्धांत 2 बार हो गया है, सॉरी। किसने दिया था? ये दिया था कैटल ने। उसके बाद है सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था सीएच जड़ ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था मैस्लो ने। और इनको आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी किसने दिया था? मैस्लो ने। ब्रेल लिपि के प्रवर्तक कौन थे? इनका नाम था लुई ब्रेल। मूल प्रवृत्तियात्मक के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये है मैकडूगल। समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गुथरी ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट है समीपता का संबंधवाद का सिद्धांत, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये।
जो संबंध समीपता संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भाषाई सापेक्षता प्राकलन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था वार्फ ने। किसने दिया था? वार्फ ने। उसके बाद अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आसू बेल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और जितने भी सिद्धांत है ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद क्षेत्र बल समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था लेनिन ने। तो दोस्त ये हो गया वीडियो, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैंने बनाए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। 8 जनवरी को यूपी टेट का पेपर है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और लोगों के पास शेयर भी करिए। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कर दीजिएगा।